क्लास टेन हिस्ट्री हिस्ट्री चैप्टर वन फर्स्ट टॉपिक द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांस में ही देखने को मिली। जैसा कि आपको हमने याद होगा 1789 में फ्रांस एक ऐसा राष्ट्र था जिसमें संपूर्ण जमीन पर निरंकुश राजा का अधिपत्य था। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और बदलाव हुए उनमें प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकाल कर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित की गई, यानी कि राजा से सारे राजकाज छीन कर जनता के बीच में उस चीज़ को डाल के छोड़ दिया गया। क्रांति की घोषणा के बाद से लोगों में द्वारा राष्ट्र गठन होगा और उनकी स्थिति तय करेंगे। शुरू में फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने एक ऐसे कदम उठाए जिससे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकी। पितृभूमि और नागरिक ऐसे जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के रूप में बल दिया जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त हो। अतः एक नया फ्रांसीसी झंडा ट्राइकलर चुना गया जिसमें पहले राजध्वज की जगह ले ली, जिसने इसमें स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिक के समूह द्वारा किए जाने लगा। उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। नई स्तुतियाँ रची गई, शहीदों का गुणगान हुआ और सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसमें अपने भूभाग पर रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून था। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए, जो टैक्सेस थे उन्हें बिल्कुल ही समाप्त कर दिया गया था। भार तथा मापने की एकमात्र व्यवस्था लागू की गई। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया। पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी वही राष्ट्र की भाषा बन गई। फ्रेंच में दूसरी बोलियों को हटाकर सिर्फ फ्रेंच ही बोलने और लिखने के लिए एकमात्र भाषा को बनाया गया। क्रांतिकारियों ने यह घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का वह का भाग्य और लक्ष्य यह था कि यूरोप के लोग को निरंकुश शासक मोनार्ची जो थे उनसे मुक्त कराना है। दूसरे शब्दों में फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्र में गठित होने की मदद देगा। जब फ्रांस की घटना की खबर पूरे यूरोप में फैली तो छात्र तथा शिक्षित मध्य वर्ग के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लब की स्थापना करने लगे। उनके गतिविधियों और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड बेल्जियम स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसी। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेना राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में भी ले जाने लगी। ये सिर्फ फ्रांस में ही ना रहकर ये पूरे यूरोप में धीरे धीरे ये फैलता चला गया। नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया वहाँ उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन निसंदेह वहाँ प्रजातंत्र को नष्ट किया हो मगर प्रशासनिक ढंग से उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश इसमें लाकर कर दिया था। १८०४ की नागरिक संहिता जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, इसने ये किया कि जन के आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। मतलब जन के आधार पर किसी को कोई विशेष अधिकार नहीं प्राप्त होते। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण अधीन क्षेत्रों में लागू किया गया। डच स्विट्जरलैंड इटली जर्मनी नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। सामंती व्यवस्था को खत्म किया गया। किसानों को भू दासत्व तो जागीरदारी शुल्क से मुक्ति भी दिलाई गई। शहरों में भी कारीगरों के सैनिक और संघों को नियंत्रणों से हटा दिया गया। यातायात संचार व्यवस्था को सुधार किया गया। किसानों का कारीगरों और नए उद्योगपतियों की नई मिली आज़ादी मिली।